सर्किट एलसी ऑसिलेशन अगर पढ़ा हो तो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 pi√LC, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 pi√LC। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर एक डायमेंशन पूछी जाती है, अक्सर डायमेंशन ऑफ एलसी ये अक्सर पूछी जाती है। एलसी, एल यहां पे इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो एक तरीका है बेवकूफी वाला। क्या है तरीका बेवकूफी वाला? एल की डायमेंशन निकाल लो लंबे चौड़े तरीके से, सी की डायमेंशन निकाल लो लंबे चौड़े तरीके से, फिर एलसी की डायमेंशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बेवकूफ, इतना लंबा करने का टाइम कहां होता है? जेई मेन और नीट में। नीट में 45 क्वेश्चन 45 मिनट, एक क्वेश्चन एक मिनट पढ़ना भी है, मार्क भी करना है, सॉल्व भी करना है। जेई में क्वेश्चन, जेई में तो चलो टाइम तब भी बढ़ गया, 25 क्वेश्चन 25 25 25, 3 घंटे, 25 क्वेश्चन 1 घंटे, 25 क्वेश्चन 60 मिनट में। बट कंप्यूटर भी तो रहता है, स्क्रल विस्क्रल करो है और रीड करो। जेई में तो थोड़ा ऑप्शन भी थोड़ा सा तकी रहते हैं, तो टाइम नहीं है भाई। तो आसान तरीका क्या है एलसी की डायमेंशन निकालने का? आसान तरीका ये है भैया कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो 1/2 pi√LC। फॉर्मूला कोई भी लगा लो, डायमेंशन तो सेम ही आनी है। एल ओ सी अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करो तब भी वही आनी है, चाहे फॉर्मूले से कर लो तब भी वही आनी है। तो इसमें क्या है, देखो 1/2 pi तो नंबर है तो डायमेंशन है नहीं कुछ, फ्रीक्वेंसी t-1 होता है, 1/2 pi की कुछ है नहीं, तो 1/√LC आ गया। अगर 1/√LC आ गया तो रूट एल सी ऊपर ले आओ तो 1/t-1 बन जाएगा। तो एलसी की डायमेंशन हो जाएगी भैया, स्क्वायर कर लो तो एलसी की डायमेंशन हो गई t2। एलसी की डायमेंशन हो गई t2, टाइम का स्क्वायर। ये एलसी की डायमेंशन निकालने का तरीका, शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग कट है एलओसी अलग निकालो, तो एलसी की डायमेंशन t2। क्लास में भी पढ़ाता हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बोलता भी हूँ एलसी जब भी निकालने की बारी आए तो 1/2 pi√LC से करो। आगे बढ़ते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। हाउ कैन आई मिस दिस थिंग मैन, टाइम कॉन्स्टेंट की डायमेंशन क्या होता है? टाइम कॉन्स्टेंट तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, उन्हीं को पता होगा। अर्पित, भव्या, हरिकेश एंड शकुंतला राठौर, हैव यू हर्ड अबाउट टाइम कॉन्स्टेंट? टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है? आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलआर सर्किट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस मिक्स सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इंडक्टिव सर्किट्स, इन सर्किट्स में टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम होता है जिसमें अगर हम चार्ज को बिल्डअप करा रहे हैं आरसी में, करंट को बिल्डअप करा रहे हैं आरएल में, 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज या 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट तक पहुंचने का टाइम टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो वो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक टाइम का टाइम, टाइम ही तो है, टाइम इंटरवल है, और टाइम इंटरवल है तो t⁻¹ होना चाहिए। तो नाम चाहे जितना भी बड़ा बोल दो, टाइम कांस्टेंट और 63% चार्जिंग आरएल सर्किट आरसी सर्किट, आपको सिर्फ इतना करना है, ये टाइम है तो t⁻¹ लिखना है, ठीक। अच्छा, फॉर्मूले बस ऐसे रिवीजन के लिए, ये फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट की चार्जिंग का, q = cv 1 - e⁻¹⁴ - t/rc। डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला होता है q = q0e⁻¹⁴ - t/rc। आरएल सर्किट में करंट के बिल्डअप का फॉर्मूला होता है e/r 1 - e⁻¹⁴ - r t/l। करंट के डिके का फॉर्मूला होता है e/r e⁻¹⁴ - r t/l। बट इन सब फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइम कॉन्स्टेंट टाइम है, और टाइम कॉन्स्टेंट होता कितना है? तो आरसी सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट होता है आरसी। तो अगर आपसे डायमेंशन पूछे आरसी की, ठीक है, तो आरसी की डायमेंशन पूछे तो आपसे वो टाइम कॉन्स्टेंट की डायमेंशन पूछ रहा है, और टाइम कॉन्स्टेंट जो होता है टाऊ, वो t⁻¹ का होगा। आरसी इज ए टाइम कॉन्स्टेंट। अच्छा, सिमिलर इसी तरीके से आपका जो है l/r, आरसी की डायमेंशन पूछे t⁻¹, l/r की डायमेंशन पूछे तो भी t⁻¹। ये भी टाइम कांस्टेंट है, ये भी टाइम कांस्टेंट है, दोनों टाइम कांस्टेंट्स हैं। फिर से बोल रहा हूं, आपको कई बार क्या होगा, इस टाइप से डायमेंशन पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ डायमेंशन आरसी की,
एल वाई आर की, एल सी की, ये तीन अक्षर आपसे डायमेंशन पूछे जाते हैं। फिर बोल रहा हूं, आपसे इन तीन क्वांटिटीज की डायमेंशन पूछी जाती है, आर सी, एल बाई आर और एल सी। क्या करोगे? एल सी अगर पूछें, अगर आपसे एल सी पूछें, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। बेवकूफी मत करना कि एल निकालो अलग, सी एल निकालो अलग, वो मल्टीप्लाई करो ना। ये फॉर्मूला टी माइनस वन फ्रिक्वेंसी, इसकी कुछ है नहीं, अंडर रूट एल सी, तो अंडर रूट हट गया टी माइनस टू, अंडर गया 1/LC, एल सी इधर ले आओ, टी माइनस टू का इन्वर्स कर दो, टी स्क्वायर, एल सी खत्म, एल सी की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर। अब आते हैं आर सी और एल बाई आर। आर सी टाइम कांस्टेंट होता है, एल बाई आर टाइम कांस्टेंट होता है। आर सी, एक सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हों तो 63% चार्ज के बिल्डअप होने के टाइम को उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है आर सी। तो टाइम होता है तो ये भी टाइम की डायमेंशन रखेगा, टी की पावर वन। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर हो, एल और आर हो, तो वो एल आर सर्किट कहलाता है, और उसका टाइम कांस्टेंट, उसका टाउ जो होता है वो एल बाई आर के इक्वल होता है, ये भी टी की पावर वन, टाइम ही है, 63% करंट के बिल्डअप होने का टाइम, टी की पावर वन। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर सी और एल बाई आर को मल्टीप्लाई करो तो आर सी आर कट जाएगा, आर सी को एल बाई आर से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आर सी आर कट जाएगा, तो बचेगा एल सी। तो ये टी की पावर वन है, ये टी की पावर वन है, तो टी स्क्वायर ही तो आना चाहिए। तो देखो यहां से भी वही आ रहा है, एल सी की डायमेंशन टी स्क्वायर आ रही है, एल सी की डायमेंशन क्या आ रही है, टी स्क्वायर, आनी भी चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों ने